be with the times. ਛੋਟੇ ਪਿਆਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਨਮਸਕਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਦਾਬ ਅੱਜ ਸਿੱਦ ਮੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਯੂਥ ਫਰੋਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਇਸ ਕਮ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਟੂ ਮੀਟ ਅਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਿਡਨੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਇਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਜੀ ਇਹ ਯੂਥ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੋਟ ਆਫ ਯੰਗ ਕਿਡਸ ਬੈਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਯੂ ਆਰ ਦ ਫਾਊਂਡਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਫੋਰ ਬਰਕਤ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਯਾ ਟੈਲ ਅਸ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ बेसिकली बरकत वेलफेयर सोसाइटी के साथ मैं इंट्रोडक्शन ये करवाना चाहूँगा कि जब प्लस टू पास आउट हो रहे थे हम तो हमने सोचा कि यार प्लस टू के बाद सब अलग अलग कॉलेजेस में जा रहे हैं और किसी के पास कोई टाइम नहीं मिलेगा मतलब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे तो एक ऐसा सोशल ग्रुप बनाया जाए जिससे किसी की मदद भी हो सके और हमारा एक गेट टुगेदर भी होता रहे तो ग्रुप ऑफ पीपल हम लोगों ने फ्रेंड्स ने मिलके जिसमें मेरे सिस्टर जो पुष्मीत कोहली उन्होंने काफ़ी मदद की वो ऑस्ट्रेलिया में ही थे उस समय और सर यहाँ से पूरा उन्होंने पेपर वर्क्स की फॉर्मेलिटीज़ एंड ऑल सब वो यहीं से सब करते थे तो वो कर आके हमने एक एनजीओ रजिस्टर करवा ली करवा तो ली बट उसमें हमको पता नहीं था करना क्या है बिकॉज जस्ट ओवर अ कप ऑफ टी वी हैव मेड दिस एनजीओ तो फिर हौली हौली चलते गए फिर मैंने खुद 5-6 एनजीओ में मेंबर बना मैं जस्ट बिकॉज टू नो व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ एनजीओ तो वो जानने के लिए जब उनके साथ काम करता गया फिर उसको किस वे में बरकत वेलफेयर सोसाइटी में हमने इंप्लीमेंट करना था फिर मैं अलग अलग शहरों में घूमना शुरू किया वहाँ की एनजीओ से मिला और देखा कि वो लोग कैसे काम करते हैं तो उन सबको मॉडिफाई करके कुछ यूथ के लिए करना शुरू किया कुछ हेल्थ जो हमारे एक्चुअल में इंडिया में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रॉपर नहीं हैं अभी भी और काफ़ी सारी सर जो गवर्नमेंट्स हैं वो कोशिश कर रही हैं बट उसके साथ साथ एनजीओस का भी एक फ़र्ज बनता है कि वो भी कुछ ऐसी चीज़ें करें तो मेरे ख्याल से बड़े शहरों में वो सारी फैसिलिटीज़ बड़ी इजीली अवेलेबल हैं बट थोड़ा सा रिमोट में जाने की जब बात करें तो वो उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है इन कंपेरिजन बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जो रिमोट एरियाज़ हैं वो भी काफ़ी बैकवर्ड हैं वहाँ पे क्या है कि किसी को पढ़ाई का मतलब ही नहीं पता छोटे होते ही बच्चे क्या करते हैं सिर पे टोकरा उठाया और फादर के साथ ही काम पे निकल गए उनकी मजबूरी है क्योंकि अगर चार परिवार चार मतलब बंदे एक परिवार में तो चारों को ही काम करना पड़ेगा ये मजबूरी है हमारे रिमोट एरियाज़ की तो मेरे ख्याल से अवेयरनेस उस लेवल तक नहीं है द वैल्यू ऑफ एजुकेशन शायद उन बच्चों को ये समझने की जरूरत है बच्चों से ज्यादा उनके माता पिता को ये समझाने की जरूरत है द वैल्यू ऑफ एजुकेशन बिकॉज इट इज फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल मैं उसी पॉइंट पे आने लगा था कि बेसिकली पेरेंट्स की ही इसमें सबसे बड़ी जो आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम है कि उनको खुद ही नहीं पता एजुकेशन होती क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इसकी क्या खासियत है इसमें बच्चों को किस वे में जो है मतलब उनको बेनिफिट देगी ये ही नहीं पता उनको तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है कि हम लोग इसको इरेडिकेट कर रहे हैं इस चीज़ को राइट 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 कहते हैं अकेला चला था कारवा बनता चला गया यू डूइंग वंडरफुल जॉब थैंक यू यू नो यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर टेड टॉक्स जो स्टॉक्स में भी आप गए हैं जी राइट हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड बेसिकली वो भी प्लान जी मतलब मेरे लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई हैं जो ऑन ऑफ सडन मतलब रात को मेल आती है कि सुबह आपने वहाँ पे पहुँचना है ऐसा मेरे को नहीं पता दुनिया कहाँ से देख रही कैसे कर रही है एंड वेरी थैंक्स टू गूगल जो मतलब सब चीज़ें लोगों को कन्वे करता रहता है जस्ट सर्च रणदीप सिंह कोहली तो उसमें आपको सारी डिटेल आ जाती है तो वैसे ही टेड टॉक वालों ने कॉन्टैक्ट किया मुझे कि रणदीप जी आपकी एक एनजीओ चल रही है और आप सोशल एंटरप्रेन्योर भी हैं और काफ़ी चीज़ें करते हैं तो आपको एक मोटिवेशनल स्पीकर तो आई सेड ओके नो प्रॉब्लम उस समय मेरे को उसका लेवल नहीं पता था वेरी फ्रेंकली क्योंकि मेरे लिए वो पहली बार था कि टेड टॉक में जाना बट जब मैं गया वहाँ पे और पब्लिक को फेस किया फर्स्ट टाइम था मेरे लिए और एनजीओ वगैरह में तो करते रहते हैं बट एक वो चीज़ और एक सोशल प्लेटफॉर्म एक आपको जो पब्लिक स्पीकिंग का प्लेटफॉर्म मिला तो उसमें बट ये कि मैं घबराया नहीं क्योंकि मैंने जो बोला सच्चाई बोली अपनी ज़िंदगी के बारे में जैसे मेरी एनजीओ शुरू हुई कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई किसने किसने हेल्प करी वो सब चीज़ें मैंने टेड टॉक में जाके बोली तो बहुत सारे लोग जो है मोटिवेट हुए खुश हुए आज भी जो है वो वीडियो बहुत वायरल होती है कि मतलब उसमें यूथ जो है खास करके वो बहुत ज़्यादा देखता है कि किस वे में इन्होंने एनजीओ स्टार्ट करी और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई उसके बाद फिर जोश टॉक से भी मेरी हुई उन्होंने भी मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया और पब्लिक स्पीकिंग में मेरे को बोलने का मौका मिला फिर MS टॉक्स हैं दिल्ली की तो ऑथर शेरी जी उसको रन कर रहे हैं तो उसमें भी उन्होंने भी मेरे को एक प्लेटफॉर्म दिया
जलंधर में ही प्रोग्राम हुआ था वो, तो ऐसे बहुत सारे फिर ऐसे पब्लिक स्पीकिंग्स में जब एक बारी शुरू हुआ तो ऐसे ऐसे लोग फिर आगे आगे इन्वाइट करते गए। रेडियो सुरसंगम सुन रहे सभी श्रोतागणों के लिए, फ्रेंच वर्ल्ड टीवी एंड फिजी टाइम्स देखने वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, गो एंड गूगल रणदीप सिंह कोहली। थैंक यू। यू नो, यू बीन अवार्डेड विद द मेनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड, लाइक द नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड। या देयर प्रोबब्ली मोर फेदर्स टू कम अलोंग द वे। या मैं देख रहा था कपिल शर्मा शो में भी यू वर फीचर्ड। एक्चुअली कपिल शर्मा शो में भी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो हमारी लंदन की संस्था है, अच्छा दिस इज, तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो है वो लंदन की हमारी संस्था है, उसमें एज अ पंजाब प्रेसिडेंट मैं वहाँ पे अपना रोल अदा कर रहा हूँ, और इनके हमारे जो इंडिया के डायरेक्टर हैं और जो लंदन के मतलब सब पूरा वर्किंग देख रहे हैं वो संतोष शुक्ला जी हैं, एडवोकेट हैं वो सुप्रीम कोर्ट के, और बेसिकली इंडिया में इंदौर में बेस्ड है हमारा हेड ऑफिस, तो वहाँ से सब वर्किंग शुरू होती है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एक ऐसी संस्था है जो रिकॉर्ड्स, ऑनर्स और लिस्टिंग, हमारी तीन वर्किंग रहती है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। रिकॉर्ड वो बंदे बनाते हैं जैसे किसी ने कुछ एक अजूबा ही कर दिया जिसको कह सकते हैं हम, तो वो एक रिकॉर्ड में हम उसको लिस्ट करते हैं। फिर लिस्टिंग हम उन प्लेसेस की करते हैं, बहुत ही बढ़िया श्राइन हो, रिलीजियस हो, या एक अपने आप में अद्भुत कोई बिल्डिंग बनी हो। जैसे मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि मेरा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था जब मैं पंजाब प्रेसिडेंट बना, तो फर्स्ट 2017 में आप पंजाब प्रेसिडेंट बने, राइट? या तो उसमें फिर फर्स्ट प्रोजेक्ट जो मेरी दिल की भी इच्छा थी कि गोल्डन टेंपल श्री दरबार साहब, मतलब जिनको किसी को बताना मेरे ख्याल से मेरी बेवकूफ़ी होगी कि वर्ल्ड गोल्डन टेंपल क्या चीज़ है, बच्चा बच्चा जानता है कि गोल्डन टेंपल इंडिया में क्या चीज़ है, तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा था कि अपनी बुक में हम इनलिस्ट करें उस बिल्डिंग को, तो मौका मिला, वहाँ पे हमने मेल्स वगैरह डाली, वहाँ से रिप्लाई आया, सब चीज़ें हुई, तो वो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, मोस्ट विजिटेड प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, वो हमने उनको मोस्ट विजिटेड प्लेस ऑफ द वर्ल्ड इज दरबार साहब, क्योंकि बिकॉज क्या है कि वहाँ पे डेली बेसिस पे लाखों की तादाद में संगत आती है और उसकी गिनती करना नामुमकिन है, और जो वहाँ पे आके लंगर की सेवा चलती है सब, तो वही चीज़ मैं बार बार वही उसके ऊपर ही फोकस करता हूँ कि हम किसी भी गुरु महाराज को रिकॉर्ड नहीं दे सकते हैं, बिकॉज हम लोग बहुत छोटे हैं, हम लोग उनसे ले रहे हैं सब चीज़ें, हम उनसे सिर्फ आशीर्वाद लेते हैं, और ये है कि वहाँ पे जो सेवादार इतनी सेवा कर रहे हैं उन सब की भी मोटिवेशन जो है इन सब अवार्ड्स जो ऑनर जो हमने उनको दिया वो एक जस्ट ये था कि मतलब वहाँ के जो सेवादार उनको और मोटिवेशन मिले और वो पब्लिक की सेवा करें और इसको जो है इसका नाम जो है वर्ल्ड में पूरा कोने कोने तक पहुंचे, तो ये एक हमारा मोटिव था। जब मुझे नितिन मदान जी और वरुण तिवारी ने बोला भी मुझे रणदीप सिंह कोहली की इंटरव्यू करनी है, रिसर्च करने पे मुझे पता चला भी जो भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आप उसी परिवार में से आते हैं। जी 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 जी, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उनका मैं ग्रैंडसन हूँ। अच्छा। और बस बाकी तो फैमिली को तो सब जानते ही हैं और किस तरह के वो पर्सन है उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। यू बीन नॉमिनेटेड एज अ डायरेक्टर फॉर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ऑस्ट्रेलिया एज़ वेल। या सो इस विजिट का पर्पस क्या, लॉन्चिंग दिस प्रोजेक्ट इन ऑस्ट्रेलिया? जी, मैं वही बताना चाहूँगा कि बेसिकली तो यहाँ पे अपने सिस्टर को मीट एंड ग्रीट करने आया था, बिकॉज काफ़ी देर से वो यहीं पे है, 8 to 10 years हो गए, और उनका नाम अभी पुष्मित कौर, और उनकी जो मैरिज है वो भी सिडनी में ही हुई है। अच्छा। और जीजा जी हमारे जो सिमरजीत सिंह जी हैं वो भी सिडनी की हैं, तो बेसिकली क्या है कि एक तो उनको मिलना एक मेन मोटिव था, और उसके बाद फिर जो हमारी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च हुई है उनको कंग्रेचुलेट करने आया था, और साथ में थोड़ा सा उनको यहाँ की वर्किंग हमने किस वे में करनी है उसकी मीटिंग एंड ऑल वो सब चीज़ें हमारी जो है वो उनसे डिस्कस करने आए थे कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में किस वे में जो है लॉन्च किया जाए और किस लेवल तक की हमने एक्टिविटीज यहाँ पे करनी है। वंडरफुल। ऑन बिहाफ ऑफ फ्रेंच वर्ल्ड टीवी, रेडियो सुरसंगम, फिजी टाइम्स, आई कमिट दैट दीस थ्री ऑर्गेनाइजेशंस वी वुड सपोर्ट यू टू द लेवल वी कैन। यू नो, अमृतसर बुलेटिन, ए न्यूज़पेपर दैट यू स्टार्टेड इन 2018 टू रेज द वॉइस ऑफ यूथ। या व्हाट एग्जैक्टली इज इट, ये है क्या? बेसिकली अमृतसर बुलेटिन क्या होता था कि इसके बारे में भी मैं शॉर्ट स्टोरी आपको बताना चाहूँगा। काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स को मैं अपने आर्टिकल्स भेजता था बना के, मेरे को लिखने का बहुत शौक है। अच्छा जी। तो क्या होता था कि सुबह उठ के न्यूज़पेपर खोलना और उसमें अपना आर्टिकल ना लगे
तो मन को एक बहुत डिससेटिस्फेक्शन सी होती थी कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब अपना आर्टिकल बना के भेज रहे हैं और वो लोग पब्लिश नहीं कर रहे हैं, मे बी उनकी भी कुछ ना कुछ पॉलिसीज होंगी। तो मैंने कहा यार क्यों ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही बना दिया जाए कि जिसमें कोई रोक टोक ही ना हो और खुद ही मैं लिखूं और जो लोग मेरे जैसे लोग जो डिससेटिस्फाई हो रहे हैं उनको सबको सेटिस्फाई करने के लिए उनके आर्टिकल्स अपने न्यूज़पेपर में जो है मैं। अच्छा अच्छा, तो ये आपने शुरू किया अपने आर्टिकल के साथ साथ उन सब लोगों के लिए जो वर्थ रीडिंग थे बट वो पब्लिश नहीं हो पा रहे, पब्लिश नहीं हो पा रहे थे बेसिकली, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। तो अमृतसर बुलेटिन मैंने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, ऑल ओवर इंडिया ये न्यूज़पेपर चल रहा है और आरएनआई रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है ये। इसके साथ साथ वेब चैनल भी चल रहा है यूट्यूब के ऊपर। अच्छा। और फेसबुक के ऊपर भी, क्योंकि क्या है कि आजकल वेब का जमाना है, टीवी बहुत पुराना कंसेप्ट हो चुका हुआ है, सबसे पहले न्यूज़ जो है वेब पे आती है, तो वेब चैनल के तौर पर बहुत बढ़िया वर्किंग कर रहा है इंडिया में। और ये बेसिकली यूथ एम्पावरमेंट उसके लिए मैंने किया, और इसमें बेसिकली क्या है कि जगह जगह पे हमने ब्रोशर्स लगवाए, सब कुछ किया कि जिनको कुछ लिखना है वो हमें मेल करें, कोई पैसा नहीं हम चार्ज करते किसी से, जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट वी फोकस टू शेयर देयर वर्ड्स टू द सोसाइटी। अच्छा, बस वो वर्थ जो वर्ड्स हैं वो वर्थ होने चाहिए, तो वो हम चीज़ जो है कॉन्सेप्ट चेक करके उन सबको आर्टिकल्स फ्री में पब्लिश करवाते हैं और उनके इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, काफ़ी सारे इंटरव्यूज जो यंग टैलेंट है उन सबको आगे लाने का एक मौका देते हैं। और ये भी बताना चाहूँगा कि अमृतसर बुलेटिन देखकर ही काफ़ी सारे लोग जो हैं बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में भी गए हैं, बॉम्बे में जो रियलिटी शोज होते हैं उनसे कई बार मेरे को फ़ोन आते हैं कि आपने सिंगर का इंटरव्यू लिया था तो क्या आप हमें उनका नंबर दे सकते हैं। तो मतलब अच्छा, जी अच्छा। मतलब ये है कि मेरे को खुशी होती है कि अगर मैंने 100 बंदों का इंटरव्यू लिया, एक बंदा भी अगर वो सक्सेसफुल हो गया लाइफ में तो मेरा मिशन सक्सेसफुल है। परफेक्ट परफेक्ट। व्हाइल गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल आई कुड रीड साकी द साउथ एशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, व्हाट एग्जैक्टली इज इट? बेसिकली साकी जो है वो हमने जस्ट 2020 में ही इसको लॉन्च किया है इंडिया में, साकी जो हुई है इसमें एज अ इंडिया में मैं सेक्रेटरी हूँ, सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहा हूँ। साउथ एशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो है इसमें साउथ एशियन की जो कंट्रीज हैं वो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं और उसमें उनके सारे चैम्बर्स, उनके जो कॉमर्स के चैम्बर्स और इंडस्ट्रीज, वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज एसोसिएट हैं। वो अभी इसकी वर्किंग जो है हम मोस्ट प्रोबेबली 2020 में शुरू कर देंगे और वर्ल्ड लेवल पे मीटिंग्स होंगी। उसमें क्या है कि कुछ भी जो लोग अपना ट्रेड जो एक दूसरी कंट्रीज़ के साथ करना चाहते हैं उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा इससे, और एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर हमारी जो कोहली इंजीनियर्स फॉर्म है वो भी साकी के साथ जुड़ी हुई है। तो बेसिकली एज अ सेक्रेटरी मतलब इसमें हमारी यही कोशिश रहेगी, इसके जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं वो संतोष शुक्ला जी, सेम जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स देख रहे हैं, तो वो उनकी दिशा निर्देश जो है सारी चीज़ें पूरे वर्ल्ड वाइड जो इसको हम लॉन्च करेंगे और लॉन्च करके फिर बड़ी जल्दी इसको ऑस्ट्रेलिया में भी लेके आएंगे और बहुत काफ़ी सारी कंट्रीज हमारे से इसमें जुड़ गई हुई हैं। और बेसिकली क्या है कि सारी जैसे ट्रेड यूनियंस हैं उनको एक साथ करना साकी का एक जो है मेन मोटिव है। परफेक्ट परफेक्ट। तो एक बार मैं फिर से अपने सब दर्शकों को दिखाना चाहूंगा द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इसका लॉन्च बड़ी जल्दी ऑस्ट्रेलिया में भी किया जा रहा है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो आज हमने की रणदीप सिंह कोहली से बातचीत और मैं आपका नवनीत। रणदीप जी वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। वन स्टॉप आंसर टू योर ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन एंड वीजा मैटर्स, जेमको सिडनी, ड्रीम बिग अचीव बिग।